Hi guys, I am Preeti and welcome back to my YouTube channel. आज मैं करने वाली हूँ एक food challenge video 24 hours का, जिसमें मैं breakfast, lunch, dinner और evening snacks यानी कि शाम को जब भी भूख लगती है तभी mango से related एक dish खाऊंगी। वैसे तो मुझे mangoes खाना बहुत पसंद है, but when it comes to experimenting वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। mangoes जैसे बस उसे cut करके खा लो उसी में ज़्यादा मज़ा है। So आज का video थोड़ा सा challenging होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज जो भी डिशेज मैं ट्राई करूँगी वो मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं की है। सो आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। पहली रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है एक मैंगो स्मूदी की। बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रात को 3 चम्मच ओट्स को पानी में सोक करके रखा था। आप चाहे तो इसे दूध में भी भिगा कर रख सकते हैं। सो पहले हम ये ओट्स लेंगे एक मिक्सर जार में। अब उसी के साथ ये मैंगो पल्प है, एक मैंगो का पल्प, नॉर्मली मैंने आमरस निकाला है उसका, और इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखा था। ऐसा करने से जो स्मूदी आप बनाएंगे ना उसे अच्छा सा थिकनेस आता है। सो ये मैंगो पल्प भी इसमें डालते हैं, और आधा कप दूध मैंने इसी कटोरी में लिया है जिसमें मैंने आमरस रखा था फ्रिज में। सो ये आधी कटोरी दूध। अब मैं इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके लूंगी। सो ये मैंगो स्मूदी तो अब रेडी है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ, फिर इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, कुछ चॉप्ड मैंगो के पीसेस। अब ये मेरे पास कुछ पम्पकिन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे सीड्स बहुत ही हेल्दी रहते हैं। और ये रहे थोड़े से सनफ्लावर सीड्स। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये मैंगो स्मूदी बोल कैसे बना है। सो बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आई थिंक आप बिना ओट्स के भी इसे बना सकते हैं, बिना ओट्स के भी उसको एक अच्छा थिकनेस आएगा। इसमें मैंगोज है, ओट्स है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है। सो इट्स लाइक अ 1 pot meal जो बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये एक बोल खा के आपका पेट भर जाएगा। 3 hours later सुबह जो मैंने मैंगो स्मूदी खाई थी वो बहुत ही हैवी हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है लंच के लिए, थोड़ा सा लाइट ही रखा है। मैंगो सालसा बनाया है मैं, तो नॉर्मली नाचोस के साथ सालसा सर्व किया जाता है, बट सिंस घर पे नाचोस नहीं थे तो मैंने ये रोटी को रोस्ट करके लिया है तवे पे एकदम लो फ्लेम पे, ताकि ये क्रिस्पी बने, और ये कुछ पापड़ फ्राई करके लिए है। पापड़ा टेस्ट कर जबरदस्ती नहीं। फ्लैशबैक। सो अब हो गई है दोपहर एंड इट्स टाइम फॉर लंच, और लंच के लिए मैं बना रही हूँ मैंगो सालसा। सो मैंगो सालसा बनाने के लिए 1 cup चॉप्ड मैंगोज लेंगे, फिर उसमें हम कैप्सिकम डालेंगे। सो मैंने यहाँ पर आधे कैप्सिकम को एकदम बारीक कट करके लिया है, उसी के साथ बारीक कट किया हुआ प्याज इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना। अब आपके पास अगर धनिया है तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं है सो मैं वो स्किप कर रही हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस इसमें स्क्वीज़ कर ले, एकदम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आई होप ये अच्छा बने। Guess what this is? Mango and what is this? Shimla mirchi. Oh God. God bless me. Nice. Double. कैसा लगता है? खूब अच्छा लगता है। थामी चमचा के देगी, चमचा भी पापड़ा हो टेस्ट कर जबरदस्ती नहीं। oh, no. खरच चांगला का साग, इमेजिन मैंगो विद एनी वेजिटेबल्स पण चांगला आहे।
सगळं संपवशील का? एक्चुअली हम दोनों को भी इतना मैंगोस के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है, बस वो जैसा है उसे काट के खाओ. बट फर्स्ट टाइम मैंने मैंगो मिल्कशेक और मैंगो कुल्फी बनाई थी, दोनों भी रेसिपीज अच्छी बनी थी. सो मैंने बहुत डेयरिंग करके ये वाली रेसिपी बनाई है. नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट, होप अच्छा लगे. नाचूस के साथ आई थिंक और अच्छा लगेगा. पापड़ के साथ खा के देखती हूँ. पापड़ के साथ ज्यादा टेस्टी लग रहा है रोटी से ज्यादा. बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने लेमन जूस डाला है, इससे थोड़ा सा खट्टा लग रहा है. रेड चिली पाउडर की वजह से हल्का सा तीखा और मैंगो की वजह से बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट आ रहा है. सो यू शुड गिव दिस रेसिपी अ ट्राई. पापड़ के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. सो अभी मिलते हैं शाम को, तब तक हम ये सब ख़त्म करते हैं. ओके बाय. सो गाइज अब हो गई है शाम और शाम के लिए मैंने बनाया है ये मैंगो मिल्कशेक. वैसे तो मैं मैंगो लस्सी बनाने वाली थी बट दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था तो लस्सी की टेस्ट भी थोड़ी बिगड़ जाती थी, इसलिए मैंने मैंगो मिल्कशेक बनाया है. इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की है तो उसकी लिंक मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ. आप डेफिनेटली वो वीडियो चेक कीजिए और उस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए. आई एम श्योर आपको पसंद ज़रूर आएगी. चीयर्स. The next day. Hi guys, good morning. कल शाम को जो मैंने 6:30 बजे के आसपास मैंगो मिल्कशेक पिया था उसके बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी तो मैंने कुछ खाया नहीं था. लेकिन अब हो गई है सुबह और मुझे बहुत भूख लग रही है. एंड इट्स टाइम फॉर द लास्ट मील ऑफ द चैलेंज. अब आप चाहे मैंगो मिल्कशेक पी लो, मैंगो आइसक्रीम खा लो, मैंगो केक खा लो, मैंगो से बनी खीर खा लो या मैंगो से रिलेटेड कोई और डिश खा लो. आपका पेट भरेगा मगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा क्योंकि जो मज़ा आम को बस ऐसे ही खाने में है ना वो और बाकी किसी चीज़ में नहीं है. सो बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए मैं बस आम को कट करके ऐसे ही खाने वाली हूँ. तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी जाइए आम से बनी कोई एक डिश बनाइए या फिर आम को बस ऐसे ही खाइए मगर आम ज़रूर खाइए. सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम एन्जॉय.